वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी में योगी सरकार ने 6 महीने के लिए ESMA लगा दिया है। दरअसल कामकाज प्रभावित ना हो इसका ध्यान रखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। 6 महीने के लिए ESMA लगाया गया है। सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। हे गाइस, वेलकम टू डीआरजे कम्युनिटी, मैं हूं धीरज पाल। दोस्तों, यूपी में ESMA लागू हो चुका है, ये कल की न्यूज है, यानी कि 25 नवंबर 2020 की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ESMA कानून होता क्या है, ये कब और क्यों कैसे लगाया जाता है, इस विषय पर। दोस्तों, ESMA इसका पूरा नाम है एसोसिएशन सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, 1968 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था इसे। इसका मुख्य उद्देश्य उन वस्तुओं को निर्बाध गति को बनाए रखना है जो कि सामान्य नागरिक के सामान्य जीवन के लिए आवश्यक हैं। एसोसिएशन सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट ESMA को अनावश्यक हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। अगर किसी राज्य में किसी ज़रूरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है और उनसे हड़ताल खत्म करने को कहती है और फिर भी वे हड़ताल खत्म नहीं करते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ ESMA के तहत कार्यवाही करती है। लेकिन ESMA लागू करने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है। ESMA अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन यदि केंद्र सरकार मानती है कि इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है तो वह इसे कितने भी लंबे समय के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि एक बार में 6 माह से अधिक का आर्डर नहीं दिया जा सकता। ESMA के अंतर्गत सज़ा का प्रावधान जो है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो पहला प्रावधान ये है कि ESMA लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है। क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अंतर्गत ESMA लागू होने के उपरांत इस आदेश के संबंधित किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा यह है कि इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि यदि किसी आवश्यक सेवा के रखरखाव के लिए ओवर टाइम करने की ज़रूरत है तो कर्मचारी इससे इनकार नहीं कर सकता। अगला ये कहता है ESMA कानून कि कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल के लिए मनाता है या उसमें भाग लेने के लिए कहता है उसे 1 वर्ष की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना तक हो सकता है। कोई व्यक्ति वित्तीय मदद देता है तो ऐसा करना कानूनन जुर्म है। इस ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक कारावास, 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। ESMA के अंतर्गत आवश्यक सेवाएँ क्या क्या हैं, चलिए इसके विषय पर चर्चा करते हैं। कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा। दूसरा है किसी भी रेलवे सेवा या किसी अन्य परिवहन सेवा के लिए यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए भूमि, पानी, हवा, जिससे संबंध में संसद कानून बनाती है। हवाई अड्डे के संचालन या रखरखाव से जुड़ी कोई सेवा या विमान से संचालन में रखरखाव के कोई संबंधित सेवा। किसी भी बंदरगाह में माल की लोडिंग अनलोडिंग, आवाजाही या भंडारण से जुड़ी कोई सेवा। सीमा शुल्क के माध्यम से या तस्करी के रोकथाम के माल या यात्रियों की निकासी हेतु। किसी टकसाल या सुरक्षा प्रेस में। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ESMA के रूप में सरकार के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वह जब चाहे कर्मचारियों के आंदोलन को कुचल सकती है, विशेषतर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है और बिना वारंट के कर्मचारी को नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं, कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। ESMA कानून लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो यह अवैध एवं दंडनीय माना जाएगा। वैसे तो ESMA एक केंद्रीय कानून है जिसे 1968 में लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। उल्लेखनीय है कि थोड़े बहुत परिवर्तन कर कई राज्य सरकारों ने स्वयं का ESMA कानून भी बना लिया है और अब ये कानून यूपी में लागू हो गया है, यानी कि 25 नवंबर 2020 से अब 25 मई 2021 तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता। तो ये चर्चा में था, इसलिए हमने इसको पढ़ा और आपके साथ साझा किया। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।